रतलाम शहर के छतरी पुल पर नाले के समीप शनिवार को नगर निगम राजस्व पुलिस के संयुक्त अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए करीब 1,08,00 वर्ग फीट की भूमि मुक्त कराई गई। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि नगर निगम रतलाम द्वारा भूमि विभिन्न उपयोग के लिए मांगी गई है। कार्रवाई से पहले मौके पर भागवत कथा का आयोजन भी शुरू किया गया था, जिसके चलते कुछ देर रुकने के बाद जेसीबी से निर्माण तोड़ दिए गए। कार्रवाई के बाद पंचान मोचियान के द्वारा जमीन के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज नहीं देने पर नजूल का बोझ लगाया गया। तहसीलदार ने नोटिस में 3 दिसंबर तक कब्जा हटाने का नोटिस दिया। कब्जा नहीं हटाने पर शनिवार सुबह भारी संख्या में पुलिस बल लगाकर जेसीबी की सहायता से निर्माण तोड़कर जमीन मुक्त कराई गई थी। वहीं नजूल की जमीन पर वर्षों से व्यापार कर रहे कब्जाधारी सुरेंद्र जैन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरा नजर रिकॉर्ड में हेराफेरी की बात कही। सुरेंद्र जैन का कहना है कि यह जमीन नजूल की है, जिसे मैं भी प्रशासन को सौंपना चाहता हूँ। 2016 तक रिकॉर्ड में भी नजूल की जमीन दर्शाया है, मगर फिर अचानक रिकॉर्ड में हेरफेर कर शासन ई से फक्व को बोट की बता रही है। वास्तव में नजूल की है और 2015-16 तक नजूल की रिकॉर्ड में थी। इनने फिर बाद में फर्जीवाड़ा करके और पैसे वैसे देके और ये जमीन वक्फ के नाम चढ़वा ली और उसके बाद से लगातार मुझे दबाव बना रहे खाली करने के लिए। और 50 लाख रुपये का मुझे ऑफर दिया गया था एक मुस्लिम लीडर द्वारा, लेकिन मैंने कहा कि ये जमीन नजूल की वक्फ की नहीं है, इसलिए मैं 50 छोड़ आप 5 करोड़ देंगे तो भी मेरे को खाली नहीं करना है, क्योंकि शासन की जमीन है, शासन में चले जाए सारी जमीन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शासन ने, जिला कलेक्टर ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करते हुए खुद मेरे को अकेले को नोटिस दिया। मैंने नोटिस के जवाब में सब बता दिया कि ये जमीन नजूल की है, 60-70-80 लोगों ने यहाँ मुस्लिम पंचान के और दूसरे लोगों को यहाँ कब्जा करवा के और किराया वसूल रहे। सामने भी मुस्लिम पंचान के लोग किराया वसूलते शासन की ज़मीन पर, शासन उस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ मेरे से कलेक्टर के व्यक्तिगत द्वेषवश मुझ पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं विरोध करता हूं। और सारे हिंदू संगठन सुन ले कि आज शनिचरी अमावस्या से 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यह भागवत कथा का आयोजन पूर्व निर्धारित था, उस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भी इनने बाधा डालने की कोशिश की है और कथा के दौरान यह सब तोड़फोड़ मचाई है, जबकि मैं खुद इनको सरेंडर करने को तैयार हूँ यह जमीन। वही शहर एसडीएम का कहना है कि यह नजूल की जमीन है और इसे कब्जेधारी से मुक्त कराया जा रहा है। हमने यह देखा है कि धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहाँ यथावत चलेगा, हमने बाउंड्री बाल और यहाँ रखी कारों को हटाया है। देखिए, बेसिकली ये नजूल की जगह है, 8,800 स्क्वायर फीट जगह है, इसको हमने आज अतिक्रमण से मुक्त कराया है और इसका नगर हित में कुछ ना कुछ उपयोग किया जाएगा। ये 8,800 स्क्वायर फीट जमीन है, नजूल का सर्वे नंबर 117 है, इसको हम खाली करा रहे हैं आज। सर, इसमें क्या विवाद चल रहा है जमीन पे? नहीं, जमीन पे कोई विवाद नहीं है, एक शासन पक्ष है और एक अतिक्रामक है, तो शासन ने अतिक्रामक से अपनी भूमि को खाली कराया है ताकि नगर हित में उसका कोई ना कोई उपयोग किया जा सके। एक धार्मिक आयोजन भी चल रहा था। देखिए, क्या होता है कि कई बार नोटिस देने के बाद इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हो जाते हैं, तो जैसे भागवत कथा वहाँ बैठी है, भागवत कथा बहुत आराम से चल रही है और वो जिस प्रकार से संपन्न होनी वैसे ही संपन्न होनी होगी, उसको निर्विघ्न रखते हुए आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया है। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।